A very good morning to each and every student of class 2nd. So this is your Hindi literature class, and we will proceed in chapter 2nd. Okay, I taught you the chapter 2nd, and now in this video we will do our exercises of chapter 2nd. This is your book and part 1, that is Prashn Uttar. All right, ye aapke Prashn Uttar hai is chapter ke, जिसमें कि एक स्टोरी थी बंदर की और मगरमच्छ की. ठीक है, ये आपके प्रश्न हैं यहाँ पर लिखे हुए. ठीक है, उसके बाद है सही उत्तर से खाली स्थान भरना है आपको. चलिए करते हैं. ये देखिए आपके सवाल और उसके साथ में उसके उत्तर लिखे हैं. ठीक है, पहला है प्रश्न, विपत्ति के समय हमें किस तरह से काम लेना चाहिए. उत्तर है समझदारी से. हाँ, ख देखिए, जामुन का पेड़ कहाँ था. उत्तर है तालाब के किनारे. ठीक है, ग प्रश्न देखिए, दिल मीठा होगा वाक्य कहानी में किसके द्वारा कहा गया है. तो उत्तर है मगरमच्छ की पत्नी के द्वारा. ठीक है, घ बंदर ने मगर के सामने क्या बहाना बनाया. बंदर ने बोला कि वो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया है. ठीक है, ये है प्रश्न उत्तर. इसके बाद के ये रहे, पेड़ के पास पहुंचते ही बंदर ने क्या किया. तो पेड़ के पास पहुंचते ही बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया था. ठीक है, च प्रश्न है आखिरी, बंदर मगर की पीठ पर बैठकर कहाँ जा रहा था. तो बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर मगरमच्छ के घर जा रहा था. ठीक है, ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर. दूसरा देखिए पार्ट टू, खाली स्थान भरना है आपको. वो मैंने पहले में आपको दिखा दिया था. ये है इसका क में है दंडक वन के पेड़ पर बंदर रहता था. ख देखिए, मिंकू बंदर और मगर में दोस्ती हो गई थी. ग मगर ने मिंकू बंदर को दावत पर बुलाया. ठीक है, घ देखिए, बंदर ने चालाकी से काम लिया. ठीक है बच्चों, ये हो गया. इसके बाद का है सही और गलत निशान लगाएं. ये है आपका. ठीक है, पृष्ठ नंबर है 12. इस पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है, इसमें से आपको सही उत्तर सेलेक्ट करके उस पर सही का निशान लगाना है. ठीक है, ये है बंदर का नाम क्या था. बंदर का नाम मिंकू था. किस चीज़ के पेड़ पर बंदर रहता था. उत्तर है जामुन के पेड़ पर रहता था. ठीक है, मगरमच्छ कहाँ रहता था. उत्तर तालाब में. ठीक है, घ मगर की पत्नी क्या खाना चाहती थी. बंदर का दिल. आखिरी देखिए, बंदर की दोस्ती किससे हो गई थी. तो बंदर की दोस्ती मगरमच्छ से हो गई थी. ठीक है, इसके बाद का देखिए, वापस से इस पेज पर आएंगे हम. ये नंबर 4 प्रश्न देखिए, सही कथन पर सही गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाएं. तो क बंदर मगर का शत्रु था. ठीक है, ये कैसा है वाक्य, सही है या गलत है. तो ये गलत है ना. बंदर और मगरमच्छ में क्या दोस्ती थी. ठीक है, ख देखिए, मगर की पत्नी बंदर का दिल खाना चाहती थी. ये सही है ये वाक्य. उसके बाद देखिए, बंदर मगर की चालाकी को समझ गया था. ये भी सही है, तभी वो उसने उसको वापस अपने पेड़ की तरफ चलने को कहा था. ठीक है, 5वां देखिए, निम्न शब्दों के वाक्य बनाइए. ठीक है, ये 5वां जो है ये आप अपने आप करेंगे. ठीक है, परिवार, तैरता, मगर, मिठास, जामुन, ये 5 शब्द हैं. इनसे आपको खुद से वाक्य बनाने हैं और आपको अपनी बुक में इसी में लिख सकते हैं. अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. ठीक है बच्चों, ये था आपका चैप्टर 2nd का एक्सरसाइज. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग.